हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंग्लिश एडवांटेज यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो क्लास में हम डिस्कस करेंगे SBI PO 2019 और दूसरे सभी बैंकिंग और इंश्योरेंस एग्जाम्स के लिए कुछ लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चंस, और इन क्वेश्चंस के बेसिक्स मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से इन क्वेश्चंस को आपको करना होता है, ताकि आप इनको एक्यूरेसी के साथ और कम से कम टाइम में कर सकें। तो चलिए देखते हैं इन क्वेश्चंस को। मैं अनअकैडमी पर लाइव पढ़ाता हूँ, यदि आप मेरी लाइव क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये है मेरा रेफरल कोड और इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहाँ से मेरी इन लाइव क्लासेस को आप ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, ये फ्रेज रिप्लेसमेंट के क्वेश्चंस हैं और फ्रेज रिप्लेसमेंट के क्वेश्चन में इनको देखिए, फ्रेज रिप्लेसमेंट और सेंटेंस इंप्रूवमेंट में अंतर होता है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट में सेंटेंस हो सकता है गलत हो, लेकिन फ्रेज रिप्लेसमेंट में इसको आपको रिप्लेस करना होता है, ठीक है। ये बेसिकली सेंटेंस इम्प्रूवमेंट है, ये फ्रेज रिप्लेसमेंट यहाँ पर लिखा है, लेकिन ये एक्चुअली सेंटेंस इम्प्रूवमेंट है। देखिए, यहाँ से हम पढ़ते हैं, द चाइनीज होल्ड लैप्स्ड ऑन मंडे एंड हैबिट नॉट रेज्ड एन ऑब्जेक्शन द रिजोल्यूशन डेजिग्नेशन द रिजोल्यूशन डेजिग्नेटेड अजहर अ टेररिस्ट वुड हैव बीन पास्ड ऑटोमेटिकली। देखिए, सेंटेंस का मीनिंग मैं आपको बताऊंगा। देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है, वुड हैव बीन। तो वुड हैव बीन क्या होता है? वुड हैव बीन हम अनफुलफिल्ड कंडीशन में लगाते हैं, यदि ऐसा होता तो ऐसा हो गया होता, ठीक है। तो इसमें हम हैड लगाते हैं, यानी फर्स्ट जो पार्ट होता है, एक होता है इसमें रिजल्ट पार्ट और एक होता है कंडीशन पार्ट। तो कंडीशन पार्ट में इस तरह के सेंटेंसेस में हम हैड का प्रयोग करते हैं, हैव का नहीं। और ये जो रिजल्ट पाथ है, इसमें वुड हैव बीन, कुड हैव बीन और शुड हैव बीन का हम प्रयोग कर सकते हैं। तो वुड हैव बीन तो सही है, लेकिन यहाँ पर ये पाथ गलत है। यदि इसके स्थान पर हम बोलें कि हैड इट नॉट रेज्ड एन ऑब्जेक्शन, या तो हम ऐसे बोल सकते हैं इफ इट हैड नॉट रेज्ड एन ऑब्जेक्शन, या हम ऐसे बोल सकते हैं हैड इट नॉट रेज्ड एन ऑब्जेक्शन, ठीक है। तो यदि इसको आप लगाएं यहाँ पर तो ये हो जाएगा, द चाइनीज होल्ड लैप्स्ड ऑन मंडे, चाइना का जो होल्ड था वो लैप्स हो गया मंडे को, एंड हैड इट नॉट रेज्ड एन ऑब्जेक्शन द रिजोल्यूशन वुड हैव बीन पास्ड ऑटोमेटिकली। यदि इसने ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया होता तो रिजोल्यूशन पास हो गया होता। कौन सा रिजोल्यूशन? जो अजहर को टेररिस्ट मानता है वो रिजोल्यूशन पास हो गया होता। तो ग्रामेटिकली एंड कॉन्टेक्चुअली इसमें ये जो पाथ है, ये आपका सही, इसमें चॉइस आपकी होगी, तो थर्ड इसमें आपका आंसर होगा। चलिए, अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, और यहाँ पर देखते हैं BCCI एल्बो रूम। देखिए, ये वर्ड काफ़ी बार मैंने देखा है, एल्बो रूम का मतलब क्या होता है? एल्बो रूम का मतलब होता है पावर टू टेक एक्शन, या अथॉरिटी। किसी के पास जो अथॉरिटी होती है एक्शन लेने की, उसको हम बोलते हैं एल्बो रूम। द BCCI एल्बो रूम मतलब BCCI की अथॉरिटी हैज श्रंक, यानी BCCI की अथॉरिटी जो है श्रंक हो गई है, कम हो गई है। एंड इट इज एक्सपेक्टेड दैट द चेस्टाइज बोर्ड, चेस्टाइज का मतलब होता है किसी को डांटना, रेप्रीमांड करना, चेस्टाइज। तो चेस्टाइज बोर्ड विल टो द लाइन, विल टो द लाइन मीन्स कि वो चीज को, किसी चीज को फॉलो करेगा। चेस्टाइज बोर्ड विल टो मतलब वो रूल को फॉलो करेगा। दो दिस हैज टाइम, देखिए दिस हम नहीं बोले कि BCCI नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, तो इसके लिए हम इट बोल सकते हैं। दो इट हैज टाइम टिल अक्टूबर 6, दो इट हैज टाइम टिल अक्टूबर 6, अंटिल हम कंडीशंस में लगाते हैं, तो यहां पर हम डायरेक्ट टाइम बता रहे हैं, तो टिल कहना यहां पर ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा। दो इट हैज टाइम, दो दिस हैज टाइम नहीं, दो इट हैज टाइम टिल अक्टूबर 6 टू फाइल ए रिप्लाई इन द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में रिप्लाई को फाइल करने के लिए इसके पास 6 अक्टूबर तक का टाइम है। तो ये इस सेंटेंस का मतलब है। चलिए, अब हम देखते हैं आगे कुछ क्वेश्चंस। इंडियन एक्सपोर्टर्स स्पेशली फ्रॉम द एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड इंजीनियरिंग सेक्टर सफर्स, सफर्स हम नहीं लगाएंगे क्योंकि ये जो वर्ब आ रही है ये एक्सपोर्टर्स के लिए आ रही है और प्लूरल सब्जेक्ट है, तो वर्ब इसमें प्लूरल आएगी। सफर ड्यू टू हाई कॉस्ट, कॉस्ट में एस नहीं लगाएंगे, सफर ड्यू टू हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा ये, सफर ड्यू टू हाई कॉस्ट ऑफ, नहीं, सफर ड्यू टू हाई कॉस्ट, सफर
सफर ड्यू टू हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, डी इसमें आंसर होगा, यानी फोर्थ। इसमें सफर आएगा, कॉस्ट में एस नहीं आएगा, ऑफ प्रोडक्शन, सफर ड्यू टू हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो ये जो है ये इसमें सही है, ग्रामेटिकली और कॉन्टेक्चुअली ये सही है। तो बैंकिंग क्वेश्चंस में क्या होता है, ये जरूरी नहीं है कि आप पूरे क्वेश्चन को पढ़ें या उसका मीनिंग आपको समझ में आए या सारे वर्ड मीनिंग्स आपको पता हो, लेकिन लॉजिक यदि आप अप्लाई करते हैं और रीडिंग स्किल्स आपकी अच्छी हैं तो बैंकिंग एग्जाम्स को आप निकाल सकते हैं। ये दो चीज़ें आप ध्यान रखिए। और ये जरूरी नहीं है कि आप इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड से हों, आपकी वोकेबलरी बहुत अच्छी हो, लेकिन डेफिनेटली रीडिंग स्किल्स होना जरूरी है। रीडिंग स्किल्स और लॉजिक आपका काफ़ी अच्छा होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर फोर देखते हैं। द मैनेजर कॉल्स द क्लर्क एंड सेड, जब यहां पर सेड है तो फिर यहां पर हम कॉल्स क्यों बोलेंगे। मैनेजर कॉल्ड द क्लर्क एंड आस्क्ड वेदर ही वॉज इन द, देखिए यहां पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या वो स्लीपिंग की हैबिट में है, वेदर ही वॉज इन द हैबिट ऑफ स्लीपिंग एट होम एज वॉल एज वेल। तो कॉल्ड द क्लर्क एंड आस्क्ड वेदर, वेदर या इफ भी लगा सकते हैं। तो ये वाला जो ऑप्शन है सेकंड, ये इसमें सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूनियन मिनिस्टर फॉर रेलवे पीयूष गोयल को इंचार्ज फॉर द भारतीय जनता पार्टी कैंपेन इन कर्नाटका स्पोक ऑन द पार्टी कैंपेन। स्पोक तो सही है क्योंकि पास्ट टेंस की हम बात कर रहे हैं, तो स्पोक ऑन द, लेकिन यहाँ पर होना चाहिए पार्टीज कैंपेन, और यहाँ पर एन नहीं आएगा, एन का कोई यूज़ नहीं है, यहाँ पर होना चाहिए पार्टीज कैंपेन। स्पोक ऑन द पार्टीज कैंपेन, स्पोक ऑन द पार्टीज कैंपेन अ सेपरेट फ्लैग फॉर द स्टेट, कर्नाटका की बात हो रही है इसमें। ठीक है, स्पोक ऑन द पार्टीज कैंपेन अ सेपरेट फ्लैग फॉर द स्टेट, तो ये इसमें थर्ड इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर देखते हैं। अ सोसाइटी दैट इग्नोर्स द फॉर्मर फॉर द लेटर स्टेज स्टक इन टाइम, बट अ सोसाइटी दैट इग्नोर्स द लेटर फॉर द फॉर्मर माइट वेल प्लंज डाउन अ प्रिसिपिस। व्हाट इज प्रिसिपिस, प्रिसिपिस क्या होता है। प्रिसिपिस होता है एक डेंजरस सिचुएशन। तो एक सोसाइटी जो फॉर्मर के लिए लेटर को छोड़ देती है, पहले वाले जो पास्ट के लिए फ्यूचर को छोड़ देती है या फ्यूचर के लिए पास्ट को इग्नोर कर देती है, तो दोनों ही सिचुएशन में सोसाइटी जो है वो एक प्रिसिपिस में आ सकती है, एक डेंजरस सिचुएशन में आ सकती है। अ सोसाइटी दैट इग्नोर्स, एस सही है यहाँ पर, इग्नोर्स वॉट, इग्नोर्स द फॉर्मर फॉर द लेटर स्टेज, क्योंकि सोसाइटी की बात हो रही है तो स्टेज यहाँ पर सही है। स्टेज स्टक इन टाइम, वो टाइम में फंस जाती है, वो टाइम में अटक जाती है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से देखिए सेंटेंस को कि किस तरीके से ग्रामर को इसमें अप्लाई किया जा रहा है। बट अ सोसाइटी दैट इग्नोर्स, यहाँ पर भी अ सोसाइटी है तो इसमें हमने इग्नोर्स का प्रयोग किया है जो कि सही है। इग्नोर्स द लेटर फॉर द फॉर्मर माइट वेल प्लंज डाउन अ प्रिसिपिस, तो दोनों ही सिचुएशन में सोसाइटी को इसमें गलत बताया गया है। जो फॉर्मर के लिए लेटर को छोड़ती है या लेटर के लिए फॉर्मर को छोड़ती है, इग्नोर करती है, तो इन बोथ द सिचुएशंस द सिचुएशन कैन बी वेरी डेंजरस। तो यहाँ पर ग्रामेटिकली स्पीकिंग सेंटेंस ये सही है और यहां पर आपका आंसर होगा नो करेक्शन रिक्वायर्ड। देखिए ये भी कुछ नए पैटर्न के क्वेश्चंस हैं, फिलर्स के क्वेश्चंस हैं। द प्रेजेंट इम्पास, इनको हम पैराग्राफ फिलर्स बोलते हैं। जैसे यहां पर आप देख सकते हैं एक ब्लैंक है और इस ब्लैंक का आंसर आपको यहां से देना है इनमें से। ठीक है, तो इसके लिए थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट आपको देखना पड़ेगा। द प्रेजेंट इम्पास बिटवीन चाइना एंड इंडिया इज ए फ्लेयर अप ऑफ लॉन्ग स्टैंडिंग एग्जिमा दैट इज द रिजल्ट ऑफ इंसेसेंट बॉर्डर स्क्रैचिंग। इसमें हम क्या बात कर रहे हैं कि चाइना और इंडिया के बीच में एक डेडलॉक आ गया है, बातचीत बंद हो गई है, इम्पास वहाँ पर क्रिएट हो गया है बॉर्डर प्रॉब्लम की वजह से। द लीगलिटीज ऑफ द प्रेजेंट इशूज असाइड डायट्राइब्स ऑफ रिमाइंडर्स ऑफ ए प्रीवियस वॉर। तो इसमें चूंकि इम्पास की बात कर रहे हैं तो यहां पर हम बोल सकते हैं, देखिए इसमें इम्पास का मतलब होता है कि दोनों के संबंध सही नहीं हैं, एक कड़वाहट है दोनों के संबंध में। और यहां पर एक कीवर्ड आया है एक्रीमोनियस डिप्लोमेटिक लैंग्वेज, एक्रीमोनियस का मतलब भी होता है कड़वाहट, और यहां पर इम्पास एक सिंगुलर है तो इसलिए इम्पास के लिए हम लगा सकते हैं यहां पर एक सिंगुलर नाउन, सिंगुलर वर्ब। तो यहां पर हम इसमें जो भरेंगे वो इसमें आंसर जो होगा वो ये होगा, सेकंड वाला होगा।
गोज बियॉन्ड वॉट मे बी कंसिडर्ड एज एक्रीमोनियस डिप्लोमेटिक लैंग्वेज, मतलब ये जो इम्पास है ये एक्रीमोनियस डिप्लोमेटिक लैंग्वेज से अब ऊपर जा चुका है, सिचुएशन थोड़ी सी सीरियस हो चुकी है। तो यहाँ पर सेकेंड विल बी योर राइट आंसर, ठीक है। यहाँ पर हम देखते हैं वी बिलीव इन मैनी गॉड्स बट द बेसिक्स आर ए बिलीफ इन नेचर एंड द यूनिवर्स एंड ए वननेस विद दीज एलिमेंट्स एंड दस दस के बाद हम क्या लगा सकते हैं, यहाँ पर हम वी एक्चुअली सब्जेक्ट है, वी बिलीव इन मैनी गॉड्स, हम काफ़ी सारे भगवानों में विश्वास करते हैं इंडिया में, बट द बेसिक्स आर ए बिलीफ इन नेचर एंड द यूनिवर्स एंड ए वननेस विद दीज एलिमेंट्स एंड दस, यहाँ पर एक्चुअली एक प्लूरल वर्ब आनी, दस आर जेडेड बियॉन्ड बिलीफ, नहीं ये नहीं होगा, दस द गीता एंड सो मैनी मोर इंक्लूडिंग द बुद्धिस्ट एंड जैंस, नहीं इसमें तो सेंटेंस पूरे ही नहीं हो रहा, दस आर ऑफ ए फिलोसफी दैट वॉज बोर्न इन दिस लैंड आर ओनली ए बिलियन ऑफ अस, नहीं बिलियन की कोई बात नहीं है इसमें, इसमें थर्ड आपका सही आंसर होगा, आर ऑफ ए फिलोसफी दैट वॉज बोर्न इन दिस लैंड, थर्ड यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, द स्प्रेड ऑफ फेक और क्वेश्चनेबल इंफॉर्मेशन देन इट ऑल्सो हेल्प इन मेकिंग पीपल अवेयर ऑफ द वर्ल्ड अराउंड, ये किसका काम है कि एक तरफ वो फेक इंफॉर्मेशन देता है, फेक इंफॉर्मेशन को फैलाता है, दूसरी तरफ लोगों को वो अवेयर करता है, ये किसका काम है, ये काम है सोशल मीडिया का, ठीक है। तो यहाँ पर हम फर्स्ट ही इसमें पढ़ सकते हैं, इफ द ग्रोथ ऑफ डिजिटल मीडिया गेव ए बूस्ट टू द स्प्रेड ऑफ फेक और क्वेश्चनेबल इंफॉर्मेशन देन इट ऑल्सो हेल्प्ड, देखिए कीवर्ड क्या है यहाँ पर, कीवर्ड यहाँ पर हेल्प्ड है तो इसलिए यहाँ पर भी गेव है, यानी पूरा सेंटेंस पास्ट में है तो ग्रामेटिकली ये सेंटेंस सही है और कॉन्टेक्चुअली इसमें ये इसमें सही आंसर आपका होगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं, एज फार एज एनी वन फ्रॉम एनी बैंक हैज आंसर्ड द क्रिटिसिज्म इट इज मेयरली टू पॉइंट आउट दैट द फाइन्स चार्जेस एंड डिडक्शंस आर इन कीपिंग विद द रेगुलेशंस, हाउ एवर दैट इज हार्डली एन आंसर बिकॉज द होल पॉइंट दैट एंग्री कस्टमर्स आर होना चाहिए यहाँ पर, हाँ दैट द होल पॉइंट दैट द एंग्री कस्टमर, देखिए पॉइंट के साथ कौन सा वर्ड आ सकता है, पॉइंट के साथ मेक वर्ड आता है, वी मेक द पॉइंट, ही मेड द पॉइंट, जैसे अरेंजमेंट के साथ मेक आता है, ही मेड द अरेंजमेंट, ही मेक्स द अरेंजमेंट, उसी तरीके से पॉइंट के साथ भी मेक आता है एंड ठीक है, और कस्टमर के साथ यहाँ पर आर आएगा तो इसमें हम लगा सकते हैं ये वाला, इसमें आर भी आ रहा है और मेकिंग भी आ रहा है, देखिए तो इसमें फोर्थ जो है ये आपका सही आंसर होगा। तो इस वीडियो क्लास में मैंने 10 ही क्वेश्चन लिए हैं और आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे, यदि आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करें और इसको लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि कैसे ये वीडियो क्लासेस आपको लगते हैं, अपने फ्रेंड्स को भी इस चैनल के बारे में बताएं, इस चैनल का नाम है इंग्लिश एडवांटेज यूट्यूब चैनल, और यदि आप मेरी लाइव क्लासेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये है मेरा रेफरल कोड, इस रेफरल कोड के थ्रू आप अनअकैडमी पर मुझे ज्वाइन कर सकते हैं और कम प्राइस में, यदि एक अच्छी एक टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसके लिंक्स भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप टेस्ट सीरीज़ भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस वीडियो क्लास में इतना ही, अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में, टिल देन बाय एंड हैव एन ऑसम डे, थैंक यू।